गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम शशि है। मैं आज अपने हायर एसी का 1.5 टन का एसी है जिसका मैं सेल्फ क्लीन कर रहा हूँ। मैंने इसको देखो किस तरह से इसे क्लीन मोड पे डाला है। इसका ये फ्लैप मैंने ऊपर किया है, अभी आप देखोगे ये पूरा अंदर से ये बर्फ़ बन चुका है और ये बर्फ़ ऑटोमेटिकली ये वाटर बन के इसमें जो भी डस्ट होंगे, जो भी बैड पार्टिकल होंगे, वो सारे वाटर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ये हायर का 1.5 टन का एसी है जो कि मुझे बहुत सही लग रहा है। तुरंत रूम को भी चिल्ड करता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है इसमें। खुद से सर्विसिंग कर लेना, ये सारी सुविधाएं हैं इसमें। यहाँ पे दो फिल्टर लगा है जिसे मैंने अभी बाहर साफ़ किया है उसे जेट से, मैं आपको दिखाता हूँ। दो फिल्टर हैं, ये दोनों फिल्टर को मैंने अभी साफ़ किया है। देखो कितना क्लीन हो चुका है। ये दो फिल्टर हैं, दोनों फिल्टर को मैं रख रहा हूँ। ये रिमोट में फंक्शन आ जाता है, सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन है। आप जहाँ पे सेल्फ क्लीन बटन दबाओगे ये ऑटोमेटिकली क्लीन होना शुरू हो जाएगा। जब हो जाएगा तो खुद से ये अपने आप एसी में आ जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने वी गार्ड का स्टेबलाइज़र लगा रखा है। ये सारी पर देखो किस तरह से फॉग बन के आ रहा है और ये जो बर्फ़ कितना जम गया है, ये पूरी बर्फ़ हो जा रही है और ये सारे बर्फ़ पानी में वाष्प बन के निकल जाएंगे, कुछ वाटर के थ्रू नीचे चले जाएंगे। ये सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन है। ये 10 से 15 मिनट का होता है। इस प्रक्रिया में आपको वोल्टेज बहुत ज़्यादा लेता है। ये 200 से 220, 190, 210 इस तरह से आपका वोल्टेज आया करता है। लेकिन मेरी तरफ से बहुत ही अच्छी सुविधा है, आप घर बैठे अपना एसी खुद से सेल्फ क्लीन कर सकते हो। ये देखो कितनी अच्छे तरीके से सारे, इसमें से आपको आवाज़ भी सुनाई देगी और ये जितना भी बर्फ़ था ये सारा वाष्प बन के कैसे निकल रहा है आप देख सकते हो। और मेरा एसी बिल्कुल साफ हो गया है, देखो आप। पहले बहुत डस्ट था इसमें। ये 10 से 15 दिनों में करना होता है, नहीं तो इसमें आपको एसी जंप होते रहेगा, बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा। तो ये समझ लो कि आपको एसी सेल्फ क्लीनिंग करना है, बिकॉज सारा फिल्टर पे डस्ट आप खोलोगे तो देखोगे डस्ट भरा होगा और एसी अंदर से पूरा गंदा हो जाता है। मेरा एसी बिल्कुल साफ हो गया है। अब इसका मैं यहाँ पे फिल्टर, ये जो फिल्टर है मैं यहाँ पे इसको ऐसे फिट कर दूंगा, इस तरह से दोनों फिल्टर को लगा दूंगा और ये प्रक्रिया लगभग पूरी तरह हो चुकी है। सो मेरा वीडियो देखने के लिए बने रहें। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड, गुड बाय।